कठुआ के समीप धलोटी मोड़ के नजदीक 500-600 साल पुराना शिव मंदिर, जिसे पांडवों द्वारा बनाया गया था, पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जाकर पूजा अर्चना की। इस मंदिर की स्थापना तकरीबन 700 साल की, 600-700 साल की है। ऐसा कहा जाता है कि राय सरोटे वाले ने स्थापना की थी, लेकिन जो शिवलिंग की स्थापना वो द्वापर युग की कहते हैं। ये सुनने वेदांत कथा है या कोई लिखित रूप कहीं नहीं है। और अब यहाँ से दूर दूर से ज़्यादा पुजारी लोग आते हैं, दर्शक आते हैं यहाँ देख दर्शन करने के लिए। मेरी मंदिर का कोई इसकी किसको पता आज तक पता नहीं किस काम कर रहा है। पांडु के ऐसा कहा था कि यहाँ पे महाभारत होना था पहले, तो महाभारत चला गया कुरुक्षेत्र में, तो यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बारे में ये दंत कथा है कि आज से सच क्या झूठ क्या, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहा था कि पांडव के जमाने का स्थापना, जो शिवलिंग की स्थापना है, मंदिर का निर्माण बाद में होगा। मंदिर का निर्माण राय छोटे वाले ने करवाया है, तो आस्था है लोगों की। मेरे को भी यहाँ पे आते 40 साल हो गया लगातार, 40 साल से आ रहा हूँ मगर। जिला राजौरी में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ियों के ऊपर पोस्टर लगाकर लोगों को अवेयर किया गया। पोस्टर लगाने का खास मकसद औरतों और लड़कियों को अवेयर करना था कि किसी भी किस्म की कोई परेशानी आए तो इस नंबर पर कंप्लेन कर सकती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए RTO राजौरी ने बताया, जो ड्राइवर है और इवन के फीमेल्स हैं, उनको ये अवेयर करना है कि अगर आपको कोई गिफ्ट टीजिंग का कोई लगता है कि आपको कोई किसी लड़की को, किसी औरत को, किसी महिला को कोई छेड़ रहा है, तो हमने उनको ये सेंसराइज करना है कि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और फीमेल को इमीडिएटली उस ड्राइवर को बोलना चाहिए कि इस ड्राइवर किसी को ऑटो को ले चल या गाड़ी को व्हीकल को पुलिस स्टेशन पे लेके चलो, और वो ड्राइवर जो है उसके कहने पे उसकी ड्यूटी बनती है, ही इज़ बाउंड टू टेक दैट व्हीकल टू पुलिस स्टेशन ताकि वो FIR कर सके। और ये इसी को सेंसराइज करने के लिए हमने आज ये स्टार्ट किया है, और यहाँ पर राजौरी में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने ये अवेयरनेस स्टार्ट किया है, और हम और भी काफ़ी सारे व्हीकल्स को इसके अंदर पकड़ सकते हैं। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। नॉन ग्रेजुएट पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फॉर्म द्वारा जम्मू में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फॉर्म के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा कि उनकी फॉर्म के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। हमारे साथ 1996 से आज तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, पूरी स्टेट एम्प्लॉय को ये ग्रेड इम्प्लीमेंट हुई है, वास्वाई पुलिस को इन्होंने डिनाई किया है कांस्टेबल और ASI को। हम ये आपके माध्यम से ये इनको बावर कराना चाहते हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन को जल्द से जल्द दूर किया जाए। नौशहरा के गांव कलारडीन में सुबह अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। आज बहुत दिनों के बाद स्कूल लगे थे, बच्चों का पहला एग्जाम भी था। एग्जाम चलते ही पाकिस्तान की तरफ से शॉकिंग शुरू हो गई, बच्चे स्कूल में ही छुप गए। जब थोड़ी शॉकिंग कम हुई तब बच्चों के घर वालों के साथ उन्हें भेज दिया गया। शॉकिंग के दौरान डीन के सरपंच रमेश ने बच्चों को घर पहुँचाया। पढ़ता हूँ, हमारा स्कूल 7 दिन तक बंद था, आज खुला है। आज भी पाकिस्तान हमला कर दिया। सर अपने पेपर पहले बंद रहे, स्कूल बंद रहे, आज पेपर हो गया, फिर शुरू हो गया। हाँ बंद, बच्चे लेने वैसे आए हैं। अब पहले स्कूल बंद सी, कोई फिर होया, आज स्कूल खुले, आज फिर शुरू करिए। क्या दसी, या पेपर इन्होंने, या फिर स्कूल बंद करना, क्या करना है?